दोस्तों नमस्कार। इस समय ओलंपिक रेसलिंग के मुकाबले चल रहे हैं और भारत को अब तक एक कांस्य पदक हासिल हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विनेश का अभी तक पदक हाथ से निकल गया था। जो वजन उनका बढ़ गया था उस पर हालांकि फैसला अभी आना है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने जो है मेडल की होड़ से वो बाहर हो गए। लेकिन एक अभी रितिका बची हुई है, आज वो 2:30 बजे भारतीय समय के अनुसार जो है अपने मुकाबले में उतरेंगी। 2:30 बजे उनके वेट के मुकाबले शुरू होंगे। दूसरा मुकाबला है, तकरीबन 2:35-2:40 तक इनका मुकाबला आपके सामने होगा और इनका मुकाबला हंगरी की बर्नाडेट नागी से होना है, जो कि 2 बार की यूरोपियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और ये भी एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इतना ही नहीं, इनका वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है रितिका के नाम, और रितिका के नाम ही एशियन अंडर 23 का भी गोल्ड मेडल है। और ये रोहतक से ताल्लुक रखती है, हरियाणा के रोहतक से, जहां से साक्षी मलिक के तौर पर एक ऐसी खिलाड़ी निकली जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता और सर छोटूराम स्टेडियम वहां ये प्रैक्टिस करती रही हैं और वहां से काफ़ी इनसे उम्मीदें हैं। और इसके अलावा बिश्केक में एक रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर भी इनका मेडल था और एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप हो और तमाम एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इनके नाम कई पदक शामिल हैं। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि इनका मुकाबला जो हंगरी की खिलाड़ी बर्नाडेट नागी से होना है, उनको ये शिकस्त जरूर देंगी, क्योंकि नागी की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा उस लेवल की नहीं है सिवाय कि यूरोपियन चैंपियनशिप के 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के। और अगर वो ये मुकाबला जीत जाती हैं तो दूसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन और किर्गिस्तान की रेस्लर्स के बीच होने वाली वाले मुकाबले के विजेता से उनका मुकाबला होना है। लेकिन जो किर्गिस्तान की रेस्लर है वो बेजोड़ है और इसीलिए कहते हैं कि इनका ड्रॉ काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इसके अलावा भी उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। एशियन चैंपियनशिप 2024 की वो स्वर्ण पदक विजेता हैं, जासर डोगू टूर्नामेंट एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट होता है उसकी भी वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके अलावा उन्होंने तमाम टूर्नामेंट्स में, चाहे वो एशियन 2023 की एशियन चैंपियनशिप हो वहाँ उनके नाम सिल्वर मेडल था, और इसके अलावा 2022 में एशियन चैंपियनशिप में इनके नाम गोल्ड मेडल रहा, और टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने शिरकत की जहाँ वो कांस्य पदक के मुकाबले में पराजित हुई, 5वां स्थान इन्हें हासिल हुआ। तो टफ फाइट है, लेकिन उनका जो मुकाबला होना है वो चीन की खिलाड़ी से होना है, यानी या तो हमारे सामने सेकेंड राउंड में रितिका के सामने चीन की खिलाड़ी होंगी, चीन की रेसलर होंगी, या फिर जो है ये किर्गिस्तान की खिलाड़ी होंगी। अगर चीन की खिलाड़ी वांग जुआन मुकाबला जीत जाती हैं तो ये जगरे ओपन जो होता है जहां पर अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता था वहां ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, और इसके अलावा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जो किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में आयोजित किया गया था उसकी ये स्वर्ण पदक विजेता हैं, और साथ ही एशियन गेम्स में इन्हें 3रा स्थान हासिल हुआ था। तो अगर चीन की खिलाड़ी आती हैं तो चीन के जो रेसलर्स हैं वो भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, जापान के बाद एक अलग उन्होंने विशिष्ट पहचान बनाई है, लेकिन उनका मुकाबला जो अल्पाई मेडिट से होना है किर्गिस्तान की, वो उनसे भी बेजोड़ हैं क्योंकि एशियन गेम्स में उनके नाम गोल्ड मेडल है। तो उम्मीद कीजिए कि भारतीय रेसलर अगर हंगरी की रेसलर को हरा देती हैं तो दूसरे राउंड में उन्हें एक उलटफेर करना होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और साथ ही हम चलते चलते आपको इनकी जो लड़ने की शैली है उसके बारे में भी बता दें। जो एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप में जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो उनके साथ थी कोच अलका तोमर, जो अर्जुन अवार्डी हैं, मेरठ से ताल्लुक रखती हैं, उनसे मेरी बात हुई इस बारे में तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि ये खिलाड़ी कॉन्फिडेंट रहीं तो निश्चित तौर पर इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इनमें जीत का जज्बा है, एंकल होल्ड इनका बहुत अच्छा है, लेग अटैक बहुत अच्छे हैं, काउंटर अटैक इनके पास बहुत शानदार है, बस थोड़ा सा डिफेंस पर इन्हें ध्यान देना होगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।